वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग राउटिंग एल्गोरिथम का नेक्स्ट पार्ट जो कि अपना पार्ट टू है वो देखने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो स्टेटिक एल्गोरिथम्स थे उनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उनके नेक्स्ट जो दो क्लासिफिकेशन थे जो कि अपना फ्लडिंग एल्गोरिथम और फ्लो बेस्ड राउटिंग एल्गोरिथम जो था वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले फ्लडिंग से। तो फ्लडिंग बेसिकली काफी थियोरेटिकल है, इस पर कोई थम्स आते नहीं है, तो हम मोस्टली इसके थियोरी पे ही फोकस करने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन इसकी थियोरी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि इन दिस एल्गोरिथम एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंट आउट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द लाइन ऑन विच इट हैज अराइव्ड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझो ये एक मेरा रूट नोड है ए, और मेरे बहुत सारे जो है वो नोड्स कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। ठीक है, तो ये समझो मेरा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। तो अब जो मेरा ए है वो एक पैकेट्स को फ्लड करेगा अपने नेबरहुड में, तो उसके नेबरहुड कौन से हैं, बी और सी। तो अब जब सी के पास वो पैकेट पहुंचेगा तो वो अपने नेबर्स को वापस वो फ्लड करेगा, तो वो ई को भी फ्लड करेगा और वो डी को भी फ्लड करेगा। उसी जगह पे बी के पास भी वो जब पैकेट्स पहुंचेंगे तो वो अपने नेबर्स को फ्लड करेगा जैसे कि सी को और डी को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हर नेबर अपने नेबर्स को वो जो पैकेट्स है वो फ्लड करके दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सी ने जो डेटा भेजा वही डेटा बी भी उसको वापस भेजेगा, और जो डेटा ए ने सी को भेजा वही बी उसको वापस भेजेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो डुप्लीकेट डेटा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यही है फ्लडिंग। तो वन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लडिंग इज दैट इट जनरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स। डुप्लीकेट पैकेट्स तो हम बोल सकते हैं पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैकेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये तो हमने समझो पांच नोड का एग्जांपल लिया, समझो 200-300 नोड्स हैं, तो तुम लोग देख सकते हो कि कितने पैकेट्स कितने इनफाइनाइट नंबर के टाइम तक वो फ्लड होता रहेगा। तो हम लोग को कोई तो एक मेथड पता होना चाहिए ना कि यार एक पर्टिकुलर टाइम का स्टॉप करना है, नहीं तो सब अपने नेबर्स को फ्लड करते रहेंगे, पिछला भी अगला भी, तो भाई ये तो चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो इन पैकेट्स को स्टॉप करने के लिए अपने पास डैम्पिंग टेक्निक्स है। डैम्पिंग या तुम लोग उसको बोल सकते हो कि रोकने की, या भाई एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। तो वो स्पीड ब्रेकर कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, तुम तीन मेथड्स है। पहला है तुम्हारा यूजिंग अ हॉप काउंटर, दूसरा है तुम्हारा टू कीप अ ट्रैक ऑफ विच पैकेट्स हैव बीन फ्लडेड, और तीसरा है सिलेक्टिव फ्लडिंग। तो यूजिंग अ हॉप काउंटर क्या, कि जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैंने हॉप काउंटर लगा दिया होता कि ये दो पैकेट के, ये पैकेट है उसके पीछे मैंने हॉप काउंटर लगा दिया कि दो तक ही जाना चाहिए, तो ये सी पे पहुंचता, डी पे पहुंचता, फिर अगर डी के बाद एफ में होता तो ये डेटा वहां तक नहीं पहुंचता कि भाई मुझे डी तक ही भेजना था इसको, ठीक है। तो ये तो हॉप काउंटर मेथड हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, टू कीप अ ट्रैक ऑफ विच पैकेट्स हैव बीन फ्लडेड, मतलब इसी एग्जांपल में देखो कि अगर डी अगर ये अपने पास रखता है इंफॉर्मेशन, तो एक बार जब उसको सी से डेटा मिल गया तो वो बी से एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता मेरे पास ऑलरेडी है भाई मेरे को नहीं चाहिए। तो ये उसका दूसरा मेथड है। तीसरा है सिलेक्टिव फ्लडिंग। अब सिलेक्टिव फ्लडिंग एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो मेथड है ये काफी प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल है कि इन दिस एल्गोरिथम एवरी इनकमिंग पैकेट इज नॉट सेंट आउट ऑन एवरी आउटपुट लाइन, इंस्टेड पैकेट्स आर सेंट ऑन टू दोस हु आर लाइकली टू गो इन दैट डायरेक्शन। मतलब अगर मुझे ई तक पैकेट पहुंचाना है तो मैं जो डेटा है वो बी को फ्लड ना करते हुए सिर्फ सी को फ्लड करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि सी ही उस डायरेक्शन में जा रहा है, ना कि बी। बी तो एफ के पास जा रहा है ना, पर जो मेरा ई है वही उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिलेक्टिव फ्लडिंग क्या करेगा कि वो उन्हीं रूट्स को फ्लड करेगा पैकेट से जो पॉसिबली उस डायरेक्शन तक जा रही है जहां तक मुझे मेरा पैकेट पहुंचाना है। तो ये तो मेरा सिलेक्टिव फ्लडिंग हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे, अपने फ्लडिंग के एप्लीकेशंस पे। तो ये यूजफुल होता है मिलिट्री एप्लीकेशंस में, वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ राउटर्स आर ब्लोन इनटू पीसेस एट एन इंस्टेंट। मतलब अभी मिलिट्री में समझो तुमने एक ही जगह डेटा संभाल के रखा है और वहीं पर अटैक हो जाता है या कोई भी रीजन से वो डैमेज हो जाती है वो जगह, तो तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं रह जाता या कोई उसका रेप्लिका नहीं रह जाता,
तो वहां पे मेरा फ्लडिंग हेल्पफुल है, क्योंकि मैं फिर बहुत सारी जगह पे उसको स्टोर कर सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे मतलब वही पैकेट जो वहां थे जहाँ डिस्ट्रॉय हुआ है वो ऑलरेडी मेरे पास सेफ यहाँ पड़ा हुआ है जहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ, तो वहां पे ये अप्लाई कर सकते हैं। रोबस्टनेस ऑफ फ्लडिंग इज वेरी डिजायरेबल, मतलब ऐसी जगहों पे इसकी जो रोबस्टनेस है, जो इसका मतलब एफिशिएंसी तो तुम नहीं बोल सकते, जो इसका काम आने का जो मेथड है वो यहाँ पे अच्छा पड़ जाता है कि हाँ भाई जब मेरा बहुत सारे स्टेशन डैमेज हो गए ऑलरेडी तो हाँ भाई मैं उसको यूज कर सकता हूँ डेटा को, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी जगह पे रेप्लीकेट हुआ पड़ा है। ओके, दूसरा एप्लीकेशन अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, जो कि वहां पे क्या होता है कि अपना एक सेंट्रल डेटाबेस में डेटा नहीं होता, बहुत सारे डेटाबेस में हमारा रेप्लिका स्टोर होते हैं, जो डेटा जिसको ज्यादा जरूरी है वहां पे वो फ्लड किया हुआ होता है। मतलब अगर साइट एक है, चार साइट है उसके अंडर हायरार्की में, और वन और फोर को ही वो डेटा चाहिए, तो वन और फोर पे वो रेप्लीकेट हुआ पड़ा रहता है, और एक अपने पास मेन वाले के पास भी वो डेटा रहता है, तो वहां पे भी अपना फ्लडिंग मेथड यूज होता है, क्योंकि मेरे जो कनेक्टेड जो हायरार्की है वहां पे मुझे फ्लड करना होता है मेरा पैकेट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना फ्लडिंग मेथड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है अपना फ्लो बेस्ड राउटिंग। तो दिस इज अ स्टेटिक एल्गोरिथम विच यूजेस टोपोलॉजी एंड लोड कंडीशन फॉर डिसाइडिंग अ रूट। तो अभी तुम लोग बोलोगे नहीं ये तो डायनामिक होना चाहिए, पर ये डायनामिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसको प्रेजेंट नॉलेज नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको लेके ये काम करता है कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है। अब जैसे ये समझो ये कोई एक रोड है जिसपे बहुत ट्रैफिक होता है, इन दोनों रोड्स पे बहुत ट्रैफिक रहता है, और मेरा घर सी पे है और मेरा जो वर्क स्टेशन है जहाँ मैं काम करता हूँ वो ए पे है, तो मुझे अब ए से सी रोज का रोज ट्रैवल करना होता है। तो मैं रोज ट्रैवल कर रहा हूँ, ए टू बी जा रहा हूँ, बी टू सी जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। पर फिर मुझे मेरा एक दोस्त बताता है कि भाई तू अगर इस रूट से जाएगा तो यहाँ पे तो ट्रैफिक होता ही नहीं है, तो तू तेरी कार इजीली यहाँ से सी तक पहुंचा सकता है। अब तुम लोग बोलोगे डिस्टेंस तो लंबा है पर यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है ना, ओवरलोड करके कुछ फायदा है? यहाँ बॉटल नेक हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी रहेंगी, गाड़ियां हिलेंगी नहीं, तो ऑब्वियसली मेरा टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो अगर मुझे मेरा टाइम और मेरा जो ओवरलोडिंग है उसको कम करना है तो मुझे मेरा ऑल्टरनेटिव वे ढूंढना होगा, तो वो ऑल्टरनेटिव वे मेरा फ्लो बेस्ड राउटिंग है कि भाई मैं ए टू जी, जी टू ई, ई टू एफ और एफ टू सी जाऊंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग ए बी सी, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो फ्लो बेस्ड राउटिंग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना रूट डिसाइड करता है जहां से कम ट्रैफिक हो, तो वो बी पे और सी पे लोड कम पड़ने देता है बेसिकली, इसलिए हम फ्लो बेस्ड राउटिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो टू यूज द टेक्निक ऑफ फ्लो बेस्ड राउटिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी नोन इन एडवांस। मतलब पहले से जो मैंने बोला ना एक प्रीवियस नॉलेज कैरी करता है, तो प्रीवियस नॉलेज एक्चुअली क्या क्या है? पहला है सबनेट टोपोलॉजी, मतलब एक्चुअली में मेरा नेटवर्क कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहाँ कौन सा राउटर किस लोकेशन पे है, कौन किसका नेबर है, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन किसी से दूर है, वो सब, तो टोपोलॉजी मुझे मेरी पता होनी चाहिए। दूसरा है मेरा ट्रैफिक मैट्रिक्स कि कौन से नोड्स के बीच में ट्रैफिक होता है, उससे मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ से मुझे पाथ उसको अवॉइड करना है भाई, दूसरा वाला लेना है। ठीक है, या लाइन कैपेसिटी मैट्रिक्स, मतलब हर एक लाइन की कैपेसिटी कितनी है, मतलब बोल सकते हो बैंडविड्थ कि भाई वो एट अ टाइम कितनी गाड़ियां झेल सकता है, उतनी, तो ये मेरा वो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मैं यूज करके अपना फ्लो बेस्ड राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो गाइज ये था अपना राउटिंग एल्गोरिथम्स का पार्ट 2। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ अगर तुमको अच्छा लगा हो या नहीं समझा हो तो कमेंट करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों की तरह, दोस्तों के साथ जो हमारी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन उस पर प्रेस करो, उसको क्लिक करो ताकि तुम लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारे वीडियो के, और इसका पूरा कोर्स आप हमारी वेबसाइट www.lastmomentquestions.com पे जाके ले सकते हो। अब हाँ, हमने बनाए इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं CN के, तो वो नोट्स आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लो, और थैंक यू वंस अगेन वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।